दोस्तों मिशन मेलबर्न में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन टीम इंडिया इसको लेकर अभी से तैयार दिख रही है। मौजूदा भारतीय क्रिकेट का सेटअप देखते हुए भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं दिखती है, और आईपीएल के आने के बाद तो टैलेंटेड खिलाड़ियों का पुल दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में सिलेक्टरों को टीम सिलेक्शन के समय अच्छी माथापच्ची करनी पड़ सकती है, लेकिन ये टीम मैनेजमेंट के लिए एक अच्छा सिरदर्द रहने वाला है। तो आइए दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं आखिर मौजूदा समय में ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो T20 वर्ल्ड कप के लिए चयनकर्ताओं के रडार पर रहने वाले हैं। इस साल अक्टूबर नवंबर के महीने में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप को लेकर एक्साइटमेंट अभी से बना हुआ है। वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम को कई महत्वपूर्ण सीरीज और टूर्नामेंट में हिस्सा लेना है, और ये एक तरफ से खिलाड़ियों के लिए ऑडिशन की तरह रहने वाला है। यहाँ जो भी खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से इम्प्रेस करने में कामयाब होंगे वो सीधे तौर पर T20 वर्ल्ड कप की टीम में चुने जाने के प्रबल दावेदार बन जाएंगे। इसके अलावा आईपीएल के आने के बाद कई ऐसे युवा चेहरे भी अचानक से भारत के स्कीम ऑफ थिंग्स में शामिल हो चुके हैं, जिनके नाम की चर्चा भी वर्ल्ड कप की टीम चुनते वक्त की जा सकती है। अगर देखा जाए तो ऐसे खिलाड़ियों की काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है जो वर्ल्ड कप के लिहाज से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। अगर ओपनिंग स्लॉट की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय कप्तान रोहित के साथ उपकप्तान केएल राहुल ही टीम के फर्स्ट चॉइस ओपनर्स रहने वाले हैं, लेकिन अभी तीसरे ओपनर के रूप में कई दावेदार भारतीय टीम में मौजूद हैं। इसमें ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़ का नाम सबसे आगे चल रहा है। वहीं पर दोस्तों तीसरे नंबर पर फिलहाल विराट कोहली का वर्ल्ड कप की टीम में होना लगभग तय है, लेकिन विराट को अपने खराब फॉर्म से बाहर आना होगा और टीम के लिए रन बनाने शुरू करने होंगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो शायद सिलेक्टर्स एक बड़ा कॉल लेते हुए उनकी जगह किसी और खिलाड़ी को भी आजमाने पर मजबूर हो सकते हैं। फिलहाल दोस्तों कोहली की गैर मौजूदगी में श्रेयस अय्यर नंबर 3 की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन अगर विराट का खराब फॉर्म यूं ही जारी रहता है तो एक आउटसाइड चांस वहां राहुल त्रिपाठी का बनते हुए नजर आ रहा है। त्रिपाठी को आयरलैंड दौरे पर जाने वाली टीम में शामिल किया गया है, और अगर राहुल त्रिपाठी अपने मिले हुए मौके को भुनाने में कामयाब हो जाते हैं तो आगे चलकर भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की कर सकते हैं। वहीं सूर्यकुमार यादव और श्रेयस अय्यर के बीच भी T20 वर्ल्ड कप की टीम में शामिल होने की एक अच्छी लड़ाई रहेगी। हालांकि इसकी पूरी संभावना है कि दोनों ही खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप की टीम में शामिल किया जाएगा, पर श्रेयस अय्यर को शॉर्ट बॉल के खिलाफ आ रही परेशानी को दूर करना होगा। इसके बाद विकेटकीपर के लिए ऋषभ पंत का नाम सबसे ऊपर चल रहा है, लेकिन उनका फॉर्म हालिया समय में काफी खराब रहा है। पंत T20 फॉर्मेट में उस हिसाब से निकल कर अब तक नहीं आ पाए हैं। ऐसे में अनुभवी दिनेश कार्तिक अगर आईपीएल के फॉर्म को आगे बरकरार रखने में कामयाब होते हैं तो T20 वर्ल्ड कप के लिए उनके नाम पर भी विचार किया जा सकता है। ये भी हो सकता है कि पंत और कार्तिक में से किसी एक विकेटकीपर के साथ ही भारतीय टीम वर्ल्ड कप में उतरे। इसके अलावा मिडिल ऑर्डर में संजू सैमसन भी एक बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं, खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया का विकेट उनके खेल को काफी हद तक सूट कर सकता है। कई क्रिकेट के जानकारों ने तो यहां तक माना है कि संजू सैमसन की बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम के काफी काम आ सकती है। इसके अलावा दीपक हुड्डा भी वर्ल्ड कप की स्कीम ऑफ थिंग्स में बने हुए हैं, हालांकि उन्हें उस हिसाब से मौके नहीं मिल पाए हैं, लेकिन जब भी उन्हें मौका मिलेगा हुड्डा को अपने परफॉर्मेंस से भुनाना होगा ताकि वर्ल्ड कप की टीम चुनते वक्त उनके नाम पर भी विचार किया जा सके। वहीं अगर ऑलराउंडर की बात करें तो फिलहाल रविंद्र जडेजा का नाम वर्ल्ड कप की टीम में लगभग तय है। इसके अलावा अगर हार्दिक पांड्या पूरी तरीके से फिट होते हैं तो वो भी टीम में होंगे, लेकिन इसके बाद तीसरे विकल्प के लिए अक्षर पटेल और वेंकटेश अय्यर के बीच लड़ाई रहने वाली है। हालांकि अक्षर को वेंकटेश के मुकाबले ज्यादा मौके मिल रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की पिचों पर जडेजा और अक्षर दो स्पिन ऑलराउंडर को शायद ही एक टीम में रखा जाए। ऐसे में वेंकटेश को वहां एज मिल सकता है, लेकिन T20 वर्ल्ड कप की टीम में वेंकी होंगे ही होंगे इस पर भी अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। इसके अलावा अगर गेंदबाजी की बात करें तो तेज गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह और स्पिन गेंदबाजी में युजवेंद्र चहल का नाम लगभग उस सूची में सबसे पहले रखा जाएगा, लेकिन इसके बाद बाकी खिलाड़ियों के बीच अच्छी खासी लड़ाई रहेगी। जहां तेज गेंदबाजी की बात करें तो इसमें सिलेक्टरों के पास काफी ऑप्शन रहने वाले हैं। अगर वर्ल्ड कप के लिए अनुभव को तरजीह दी जाती है तो भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी वहाँ बाजी मारते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि फिलहाल दीपक चहर चोट के कारण टीम से बाहर चल रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड कप की टीम में शामिल होने के लिए वो भी एक कैंडिडेट जरूर होंगे।
इसके अलावा स्लॉग ओवर्स में रन रेट को कंट्रोल करने वाले गेंदबाजों में हर्षल पटेल और अर्शदीप सिंह का नाम सबसे ऊपर आता है। हालांकि फिलहाल साउथ अफ्रीका के खिलाफ हर्षल के साथ आवेश खान भारत की पहली पसंद बने हुए हैं, लेकिन अर्शदीप को भी बहुत जल्द मौका मिल सकता है। और अगर अर्शदीप अपनी काबिलियत का छाप छोड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो उनके नाम पर भी जरूर विचार किया जा सकता है। वहीं तेज गेंदबाजों की रेस में युवा स्पीडस्टर उमरान मलिक भी शामिल हैं, लेकिन उन्हें पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद को साबित करने की जरूरत होगी। पर उन जैसे रफ्तार के धनी गेंदबाज को ऑस्ट्रेलिया के विकेट काफी सूट कर सकती है। ऐसे में इसमें कोई हैरानी नहीं होगी कि उमरान मलिक भारत की वर्ल्ड कप की टीम में शामिल रहें। उधर चहल के साथ ज्यादा से ज्यादा किसी एक और स्पिनर को भारतीय टीम में शामिल किया जा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो कुलदीप यादव सबसे पहले चयनकर्ताओं के रडार पर होंगे। हालांकि उसके लिए कुलदीप यादव की फिटनेस को भी अच्छे से परखने की जरूरत होगी। ऐसे में दोस्तों, इतने विकल्पों में से आपको क्या लगता है, कौन होंगे वो खिलाड़ी जो T20 वर्ल्ड कप की टीम में देख सकते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।